अस्सलाम वालेकुम क्लास एट, होप यू विल बी फाइन स्टूडेंट्स। हियर इज़ योर बुक ऑफ न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू ओपन पेज नंबर 25। टुडे वी विल स्टार्ट आवर रीडिंग फ्रॉम पेज नंबर 25। स्टूडेंट्स हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि द सिल्वर लाइनिंग की हम रीडिंग कर रहे हैं। पेज नंबर 24 की हमने रीडिंग लास्ट में कंप्लीट की, लास्ट लेक्चर में। तो इसमें हमने डिस्कस किया था कि उनके पास एक नया विजिटर आया है जिसका नाम मिस्टर डेविड है, जो कि उसको वो नोट देते हैं जिसमें उन्होंने माहीन के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, और उस नोट को पढ़ते साथ ही वो माहीन की तरफ चला जाता है। तो उसका ये स्ट्रेंज बिहेवियर है जो उसके पेरेंट्स को बहुत शौक पहुँचाता है, और वो मतलब कहते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा इसका रूड बिहेव है। लेकिन उस आदमी की मौजूदगी में उन्हें माहीन के हंसने की, ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जो कि उसके पेरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड बात होती है। तो आज हम डिस्कस करते हैं इस पेज नंबर 25 में कि क्या रीज़न थी जिसकी वजह से माहीन उस नए स्ट्रेंज आदमी की मौजूदगी में इससे हंस रही थी जैसे कि वो पहले कभी नहीं हंसी। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ टॉपिक। The parents looked at each other with wonder and amazement। मतलब कि जो वालदैन थे उन दोनों ने क्या किया, एक दूसरे की तरफ wonder, हैरानगी, और amazement का मतलब भी होता है astonished हो जाना, इंतहा की हद तक हैरान हो जाना। उन्होंने एक दूसरे को हैरानगी के साथ देखा। और daughter has not laughed like this for years, Mrs. Ahad said। Mrs. Ahad कहती हैं कि हमारी बेटी सालों से ऐसे नहीं मुस्कुराई। Curious, we watched the two of them who were now walking towards us hand in hand। हम वो कह रहे हैं कि हमने क्या किया, पुरदस्त तरीके में हमने देखा उन दोनों को जो कि एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले हमारी तरफ आ रहे थे। माहीन ran to her mother and danced about her with joy। माहीन ने क्या किया, वो अपनी मामा की तरफ पड़ी और उसने खुशी से नाचना शुरू कर दिया। She made her queer sounds of mama and wildly pointed to the young man। उसने क्या किया, पेयरमिन अजीबोगरीब किस्म के साउंड्स जो वो मतलब कि अपने मुंह से निकालती थी वो उसे निकालना शुरू कर दी, और उसने उस आदमी की तरफ इशारा करना शुरू किया। इट वाज मिस्टर डेविड हु केम टू आवर रेस्क्यू। पेरेंट्स के अकॉर्डिंग थे मिस्टर डेविड थे जो कि उनके रेस्क्यू के लिए, उनके बचाव के लिए या उनको महफूज करने के लिए आए थे। वो सून रियलाइज डैट ही वॉज डेफ एंड डम टू। बहुत ही जल्द हमें अंदाज़ा हो गया कि मिस्टर डेविड भी डेफ एंड डम है। कि स्ट्रेंज एम्बिगुअस साइलेंस, उसका अजीबोगरीब एम्बिगुअस अजीबोगरीब बिहेवियर उसका, एंड उसकी एम्बिगुअस साइलेंस और उसकी मुबहिम सी खामोशी। ही सडन रश फॉर द गर्ल ऑन रीडिंग द नोट, उस नोट को पढ़ते साथ ही उसका तेज़ी से लड़की की तरफ बढ़ना। आर बिकेम इंस्टेंटली क्लियर टू अस, इन तमाम चीज़ों ने हमें जल्दी इस बात को क्लियर कर दिया कि वो भी गूंगा और बहरा है। इट टुक अस टाइम टू डाइजेस्ट द न्यूज़, हमें इस बात को हज़म करने में बहुत टाइम लगा, क्योंकि वो मतलब कि आपने स्टोरी में हमने पहले भी डिस्कस किया उसकी अपीयरेंस के बारे में, वो बहुत मतलब कि गुड लुकिंग और उसकी पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी उन्होंने डिस्क्राइब की। दो उसकी कुछ चीज़ें थी जो अनकैम्प्ड थी, उन्हें अटेंशन की ज़रूरत थी, लेकिन उसके ज़ाहरी खुलिए को देख के वो नहीं अंदाज़ा लगा सके कि वो डेफ और डम है। एंड देन बोथ पेरेंट्स ब्रोक इनटू इनकोहेरेंट स्टेटमेंट्स, और उसके बाद जब उन्हें अंदाज़ा हुआ तो दोनों ही वो उसके वालदैन उनकी क्या हुआ कि वो बहुत ज़्यादा मतलब कि उनकी जो स्टेटमेंट्स थी वो हिचकिचाहट भरी उनकी अब स्टेटमेंट थी, मतलब कि वो हिचकिचा रहे थे या शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। आप प्रोफोस अपैलोजाइज दैट दे हैड नॉट नोटिस इट अर्लियर, और वो माजदहाना अंदाज में इस चीज़ को महसूस करने लगे कि उन्होंने पहले इस बात का अंदाज़ा क्यों नहीं लगाया कि वो डेफ एंड डम है। इमेजिनिंग द टाइप ऑफ मैन दे वर टॉकिंग टू, इस बात को अपने जहन में तसव्वुर करते हुए कि वो किस किस्म के आदमी से बात कर रहे हैं। दे स्पोक इन हाफ सेंटेंसेस एंड ट्राइड टू कन्वे द रेस्ट थ्रू जेस्टर्स, कि उन्होंने उसके साथ बातचीत शुरू की, वो हाफ सेंटेंस बोलते हैं और बाकी की बात उसको वो अपने जेस्टर्स के थ्रू कन्वे करते हैं। बट द यंग मैन हैड नॉट द स्लाइटेस्ट डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग देम, लेकिन उस जवान आदमी को उन्हें समझने में थोड़ी सी भी मुश्किल पेश ना आई। ही अपीयर टू रेडी टू रीड देयर लिप्स, ऐसे जाहिर हो रहा था कि वो उनके लिप्स को पढ़ रहा है। ही ग्रेसफुली एक्नॉलेज्ड देयर वार्मथ एंड ईदर नोडेड आवर शोक हिज हैंड इन रिप्लाई,
वो क्या कर रहा था, ही ग्रेसफुली एक्नॉलेज देयर वार्म्थ, वो उनकी जो गर्म जोशी थी उसको बहुत ही पुरवकार अंदाज में उनका जवाब दे रहा था या उसको समझ रहा था। एंड इधर नोटेड आर शुक ही सैड इन रिप्लाई, जाता वो अपने सर को शुक करता या नोट करता, उनके आंसर देता, उनके सवालों के जवाब देता। फॉर मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड लेंथी आंसर्स, बहुत ज़्यादा पचीदा या लंबे जवाबों के लिए ही यूज्ड पेन एंड पेपर, वो एक पेन या पेपर का इस्तेमाल करता था। The next day, Mrs. Ahad was full of news. अगले दिन Mrs. Ahad के पास बहुत सारी खबरें थी। She talked as she had never talked before, और वो ऐसे बात कर रही थी जैसे कि उसने आज से पहले कभी बात ना की हो। She mentioned the stranger and the plans for the betterment of Mahin. उन्हें उस अजनबी को मुहातब किया या उस अजनबी के बारे में बात की, और उसने उस अजनबी ने माहीन की बेहतरी के लिए जो उनसे प्लान्स डिस्कस किए थे, उसके पास जो मंसूबे थे माहीन की बेहतरी के लिए, उसने उन्हें बताए। ही हैड आउटलाइंड टू हर एंड हर हस्बैंड, उसने मिसेस अहद को बताया, उनके हस्बैंड को बताया माहीन की बैटरमेंट से रिलेटेड कुछ बातें उसने उन्हें बताई। देयर वर स्कूल्स फॉर सच पीपल, ही टोल्ड देम, उसने उन्हें बताया कि ऐसे लोगों के लिए भी स्कूल्स होते हैं, दो दे वर बियॉन्ड मोस्ट पीपल्स मीन, अगरचे वो बहुत से लोगों से परे थे, मतलब कि वो नॉर्मल लोगों से हट के थे, तो उनके लिए स्कूल भी नॉर्मल लोगों से हट के थे। ही हैड हिमसेल्फ बीन एजुकेटेड इन वन सच इंस्टीट्यूशन अब्रॉड, कि वो खुद भी अब्रॉड में ऐसे ही किसी अदारे में ज़ेर तालीम रहा है। एंड हैड नाउ रिटर्न टू पाकिस्तान टू रेंडर द सेम यूजफुल सर्विस टू अदर्स, अब वो वापस आया है रेंडर मीन फ़ायदा पहुँचाने के लिए पाकिस्तान में तमाम दूसरे लोगों को, इस अपनी मुफीद मतलब के जो उसकी सर्विसेज हैं, अब वो एजुकेटेड हो चुका है, तो उसका अंदाज़ा ये था या उसका ये ख्याल था कि वो पाकिस्तान जाए और दूसरे तमाम लोग जो कि डेफ और दम हैं उन्हें अपनी खिदमात से फ़ायदा पहुँचाएँ। बाई स्टार्टिंग अ स्कूल हियर, यहाँ पे एक स्कूल की शुरुआत करके। शी आलमोस्ट ब्रोक डाउन विद ग्रेटिट्यूड व्हेन शी सेड दैट ही हैड एग्री टू एक्सेप्ट माहीन एज हिज फर्स्ट पीपल, वो कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा उसकी शुक्रगुजार थी जब उसने कहा कि वो माहीन को अपने पहले स्टूडेंट के तौर पे कबूल करता है। ही हैड एम्पैथिकली स्टेटेड दैट द गर्ल कुड इन कोर्स ऑफ टाइम लिव ऑलमोस्ट एज नॉर्मल अ लाइफ एज एनी वन ऑफ अस हु हैड द वॉर्स ऑफ हियरिंग एंड स्पीच, उसने उन्हें बताया बहुत हमदर्दाना तरीके में, उसने ये बात उन्हें बताई कि आपकी बेटी माहीन कुछ टाइम में या विद द पैसेज ऑफ टाइम उसको थोड़ा टाइम लगेगा और वो तकरीबन उस तरह ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देगी उन लोगों की तरह जिनके पास सुनने और बोलने की ताकत है। मिसेस अहद लाफ्ड लाइक अ केयरफ्री गर्ल, मिसेस अहद अब बिल्कुल एक बेफिक्र ही लड़की के तौर पे हंस रही थी। शी गेव अस एन एक्स्ट्रा हेल्पिंग ऑफ जैम एंड बटर एंड हनी एट द टेबल, मीन कि वो उनका मूड भी बहुत खुशगवार था और वो बहुत खुश थी अपनी बेटी की बेहतरी के बारे में सुन के। तो उन्होंने क्या किया, हमें टेबल पे मतलब कि ब्रेकफास्ट टेबल पे उन्होंने हमें एक्स्ट्रा जैम बटर और हनी पेश किया। शी लुक द हैप्पीएस्ट वूमैन इन द वर्ल्ड, और आज वो हमें दुनिया की सबसे ज़्यादा खुश तरीन औरत दिखाई दे रही थी। स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारी रीडिंग कंप्लीट हो जाती है द सिल्वर लाइनिंग की। इसमें हमने स्टार्ट में ही इसके थीम को डिस्कस किया था कि इसका मतलब है कि उम्मीद की किरण, कि हमें किसी भी तरह के सरकमस्टांसेस हो तो हमें उम्मीद की किरण को या होप को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि को हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स दोनों होते हैं। तो मे बी हमें पॉजिटिव एस्पेक्ट्स थोड़ा ठहर के मिले, लेकिन वो हमारे सामने ज़रूर आते हैं। तो हमें किसी भी कीमत पे उम्मीद की किरण या अच्छी बात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारी रीडिंग कम्प्लीट हुई। ये हमारा लेक्चर का पार्ट नंबर वन था। हम लेक्चर के पार्ट नंबर टू में अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइजेस को डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।